हेलो दोस्तों, मैं बहुत दिन से देख रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर श्वेतांबर और दिगंबर में डिफरेंस बताइए। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। एक्चुअली स्टूडेंट, श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं ये जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। जो फैक्ट है दोस्तों कि 300 ईसा पूर्व में मगध में बारह वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा था। आप भी दोस्तों ऐसे ही लिखिएगा जिससे कि आपको रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो 300 ईसा पूर्व में, यहाँ पे मैं पूर्व कर दीजिएगा, 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा था। इस समय इसके जो गुरु थे भद्रबाहु, अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए दोस्तों। ये अकाल से बचने के लिए ये कर्नाटक को प्रस्थान कूच कर गए अपने शिष्यों के साथ और कुछ उनके जो दूसरे टुकड़े थे स्थूलवद्र, जिनका नाम था, उनके गुरु का नाम था स्थूलवद्र, भद्रबाहु और ये दूसरे थे स्थूलभद्र, ये अपने शिष्यों के साथ यही मगध में ही रुकने का विचार बनाया। स्थूलभद्र अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रुके। ठीक है दोस्तों, तो जो जो चले गए यहाँ से, जो कर्नाटक चले गए भद्रबाहु और उनके शिष्यों को, उनके फॉलोअर्स को दिगंबर कहा जाने लगा दोस्तों। और जो यहाँ रहे स्थूलभद्र, इनको श्वेतांबर, जिनका अर्थ है कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, लिख लीजिएगा श्वेत करने वाला दोस्तों, तो इनको श्वेतांबर कहा जाने लगा। यही मेन फैक्ट है दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में। इनके बारे में और मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये जो 300 ईसा पूर्व है, इसी समय स्थूलभद्र के समय में ही प्रथम जैन संगीति भी हुई थी। प्रथम जैन संगीति जो हुई थी, आप लोग नाम सुने होंगे प्रथम संगीति का, तो इसे यहाँ से याद करने में आपको आसानी होगी। प्रथम जैन संगीति जो हुई थी वो भी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के समय में ही हुआ था दोस्तों।
इससे ये चीज़ आपको याद करने में आसानी होगी कि श्वेतांबर जो श्वेतांबर धारण किए थे शूलभद्र और उनके शिष्य, तो उन्हीं के समय में पाटलिपुत्र में, क्योंकि ये लोग रुक गए थे मगध में, तो यहाँ पे उन्होंने 300 ईसा पूर्व में प्रथम संगीति जैन संगीति करवाई थी। और एक और संगीति है दूसरी, जो कि 6वीं शताब्दी में हुई दोस्तों, गुजरात बल्लभी गुजरात में हुआ था क्षमा श्रवण के समय में दोस्तों। आप लोग बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो।